Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल हादी फाउंडेशन में आपको खुश कहते हैं आज हम सफ़ा नंबर 30 पे मौजूद सरगर्मी करने जा रहे हैं जो कि है अलग कीजिए अलग कीजिए इस सफ़ा पे आपको दो हरपील अल्फाज नज़र आ रहे हैं दो हरफी अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो हरूफ़ के मिलने से बनते हैं इन अल्फाज में दो हर इस्तेमाल हुए हैं आइए सबसे पहले इन अल्फाज को पढ़ने की मश करते हैं अपनी उंगली पहले लफ्ज़ पर रखें और पढ़ें बे अलिफ बा बे अलीरफ बा चे अलीफ चा चे अलीर चा दाललीफ दा दाललीफ दा जे अलीफा जे अलीफा शीन अलीर ीन अली शा द्वादलीर द्वा द्वादलीर द्वा तो अलीर ता तो अलिफ ता आइन अलिफ आ आइन अलिफ आ कौफ अलिफ का कौफ अलिफ का क्या फलिफ का क्या फलिफ का लाम अलिफ ला लाम अलिफ ला मीम अलिफ मा मीम अलिफ मा नून अलिफ ना नून अली ना और आखिर में जो लफ्स है वो है हे अली हा हे अली हा ये तो हमने इन दो हरपी अल्फाज को पढ़ने की मशक़ की अब हम इन अल्फाज को अलग करने की मशक़ करते हैं सबसे पहले जो लफ्स है वो है अली बा बेअलिफ बा यानी बे दो हरूफ बे और अलिफ के मिलने से बना इसके बाद नीचे देखें तो चे अलिफ चा लिखा हुआ है इसमें जो दो हर्फ इस्तेमाल हुए हैं वो है चे और हर्फ अलीफ तो क्या बना चे अलीफ चा जब इसको हम अलग करेंगे तो चे और अलिफ लिखेंगे इसके बाद जो हमारे पास लफ् है वो है दाल दालिफ़ दा दाल और अलिफ़ इसके बाद जेला में हर जे और अलिफ़ इस्तेमाल हुआ इसके बाद शीनिफ़शा में हर शीन और अलिफ़ इस्तेमाल हुआ इसी तरह द्वादलिफ दुआ में हर दुवाद और अलिफ इस्तेमाल हुआ इसी तरह आखिर में तोय अलफता में हर तोयें और इस्तेमाल हुआ अब आगे देखें आयन अलिफ आ इसमें हर आयन और अलिफ़ इस्तेमाल हुआ इसी तरह काफ अलिफका में हर काफ और अलिफ़ इस्तेमाल हुआ इसी तरह हर क्या फलिफका में हर क्या और औरफ़ इस्तेमाल हुआ इसी तरह लामलिफ्लाम हर्फ लाम और अलिफ का इस्तेमाल हुआ मीम अल्फना में हरक मीम और अलिफ इस्तेमाल हुआ नोन में हर्फ़ नून और अलिफ इस्तेमाल हुआ आखिर में हे अलिफ में गोल है और अलिफ का इस्तेमाल हुआ इसी तरह आपने किताब के सफ़ा नंबर तीस पे रूफ़ को अलग करने की मशक करनी है